हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में विकसित अर्थव्यवस्था एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर को देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार का होता है, जिसमें से फर्स्ट है विकसित अर्थव्यवस्था, सेकेंड विकासशील अर्थव्यवस्था और थर्ड अविकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्रति व्यक्ति आय और कुल राष्ट्रीय आय उच्च होता है, उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है और अर्थव्यवस्था के विकास में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से अधिक होता है, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर संसाधनों का पूर्ण दोहन न हो पाया हो, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में कम हो और जहाँ राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा हो, विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक विकसित तथा विकासशील देशों में अंतर की ओर चलते हैं, जिसमें से फर्स्ट है विकसित देश में जनसंख्या का अल्प भाग कृषि में संलग्न रहते हैं, जबकि विकासशील देश में जनसंख्या का अधिकांश भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है विकसित देश में रहन सहन का स्तर उच्च होता है, जबकि विकासशील देश में रहन सहन का स्तर नीचा और संघर्षपूर्ण होता है। नेक्स्ट है विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है, जिससे बचत और निवेश का स्तर भी उच्च होता है, जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होता है, जिससे बचत और निवेश का स्तर भी निम्न होता है। विकसित एवं विकासशील देशों में नेक्स्ट अंतर है विकसित देशों में पूंजी निर्माण का दर उच्च होता है, जबकि विकासशील देशों में पूंजी निर्माण का दर कम होता है। नेक्स्ट अंतर है विकसित देशों द्वारा प्रायः निर्मित माल का निर्यात किया जाता है, जबकि विकासशील देशों द्वारा प्रायः कच्चे माल का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है विकसित देशों में कम जनसंख्या होती है जो कुशल होते हैं, जबकि विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है जो कम कुशल होते हैं। नेक्स्ट है विकसित देशों में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण दोहन होता है, जबकि विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं होता। नेक्स्ट है विकसित देशों में उच्च तकनीकी का स्तर होता है, प्रायः पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाया जाता है, जबकि विकासशील देशों में परंपरागत तकनीक को अपनाया जाता है, प्रायः श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विकसित देशों में उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम आती है, किंतु विकासशील देशों में उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत अधिक आती है। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर को देखा और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।